सो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे दाढ़ी का कंडीशन देख लो, एकदम लग रहा है ना दोस्तों तगड़ा वाला। आप लोग दोस्तों कहीं से भी देखोगे तो आपको देख के ये नहीं लगेगा कि दाढ़ी जो है पैची वाला है, पैची बियर्ड दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोग मेरा पहले से वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि पहले मेरा दाढ़ी जो था उस प्रकार का लुक नहीं दे पा रहा था जैसे दोस्तों अभी दिख रहा है। एकदम दोस्तों एकदम सटीक लग रहा है, एकदम प्रॉपर बियर्ड इसे दोस्तों बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इसी प्रकार का बियर्ड उगाना चाहते हो, आई मीन दाढ़ी उगाना चाहते हो, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको टिप्स और ट्रिक बताऊँगा वो चीज़ दोस्तों अगर आप लोग अपने ऊपर आजमाते हो तो दोस्तों आपके भी गालों के ऊपर कुछ ही दिनों में दोस्तों इसी प्रकार से घना घना दाढ़ी मूछ आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है गुड्डू और आप लोग देख रहे हो भैया गुड्डू। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दाढ़ी जो है मतलब कि पतला पतला है और आप लोग चाहते हो कि हमारे गालों के ऊपर एकदम तगड़ा वाला दाढ़ी आ जाए, और आपको अगर दाढ़ी रखने का शौक़ है और आप लोग कभी दोस्तों अपने गालों के ऊपर रेजर या फिर अस्तूरा का उपयोग नहीं करते हो और मन में ये भी है कि मेरा दाढ़ी लुक नहीं दे रहा है, तो भैया जी कहाँ से लुक देगा? आपके दाढ़ी का बाल जो है काफ़ी ज़्यादा पतला होता है और जब आप लोग उसके ऊपर अस्तूरा या फिर रेजर चलाते हो तो बाल मोटा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग करते क्या है कि हमेशा ट्रिमर का ही यूज़ करते हैं और मन में ये सोचते हैं कि मेरा दाढ़ी लुक नहीं देता है। दाढ़ी रखने का शौक़ है और रेजर अस्तूरा आप लोग यूज़ भी नहीं करते हो तो कहाँ से लुक देगा? तो दोस्तों आप लोग महीना में कम से कम एक दो बार रेजर का उपयोग ज़रूर करें। इससे दोस्तों होगा कि मतलब कि कुछ समय बाद आपका दाढ़ी का बाल समय के साथ मोटा हो जाएगा, और जब मोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके गालों के ऊपर जो है बाल मतलब घना दिखना शुरू हो जाएगा।